जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष की कक्षा के विद्यार्थी रविवार संडे आता है, इंतजार करते हैं कि कोई ज्योतिष का सूत्र हमें प्राप्त होगा। आज हम हस्तरेखा पे आपको कुछ समझाने वाले हैं। आप कुंडली बहुत अच्छे से देखना सीखना, उसमें भी सारी चीजें आपको धीरे धीरे हम बता ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हमने हाथ की रेखाओं के लिए बहुत लोगों ने आग्रह किया, उस पर भी आपको बताना प्रारंभ हम कर चुके हैं। मस्तक पीड़ा, मस्तक कहें, मस्तिष्क कहें, ये पीड़ा व्यक्ति को क्यों होती है? कुछ लोगों के माइग्रेन, कुछ लोगों को अर्धकपारी, है ना, आधी सीसी का दर्द जिसको कहते हैं, लेकिन कुछ के माथे का दर्द नहीं आता, और कुछ लोगों की मस्तिष्कीय चिंताएं नहीं जाती। तो क्या इसका कोई पैमाना इंसान की हथेली में बना होता है? क्या हाथ की रेखाओं से भी इस प्रकार की छोटी छोटी बातें, व्याधियां, रोग, तनाव देखा जा सकता? आइए हमारे सभी जितने भी छात्र हैं रविवार के, वो इस सब्जेक्ट को सुने। पहले आज का हम पंचांग बता दें। 20 मार्च 2022 दिन रविवार, चैत्र माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। अभी 78 ही बोल रहे हैं, प्रथम नवरात्र से हम 79 में जाएंगे। तिथि द्वितीया, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। हमारी हथेली में 8 मुख्य रेखाएं होती हैं, जिन रेखाओं में एक मुख्य रेखा का नाम है मस्तिष्क रेखा। इसे हम मस्तक भी कह सकते हैं, मस्तिष्क भी कह सकते हैं। छात्र हो, पढ़ा रहा हूं इसलिए ये बातें बता रहा हूं। इसी मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है पहले ये जान लें। ये गोलाई लिए हुए आयु रेखा है। इस आयु रेखा के ठीक सटी हुई रेखा नीचे की तरफ जाती है, ये चंद्रमा है। चंद्र पर्वत के नीचे तक, यहां तक ऐसे नीचे को आ रही है ये गोलाई लिए हुए, इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इसे मेधा रेखा भी कहा जाता है। ये हुआ रेखा का नाम, माइंड लाइन इंग्लिश में यूज करते हैं। इस रेखा से ही आपके मस्तिष्कीय रोग, मस्तक के रोग इस रेखा से ही जाने जा सकते हैं बहुत अच्छे से, इजिली। आइए बताते हैं। अब मस्तिष्क रेखा तो आप समझ गए कहां होती है। किसी व्यक्ति के मस्तक में हमेशा तनाव रहता हो, हमेशा मस्तिष्क पीड़ा उसे झेलनी पड़ती हो, या उस व्यक्ति के हमेशा दर्द रहता हो। बहुत लोग ऐसे हैं, दर्द नहीं आता, दवाई खाई, पेन किलर लिया, ठीक हो गए, फिर वैसे ही हो गए। तो सबसे पहले अच्छा डॉक्टर यह पहचानता है कि रोग की गहराई में उतरता। यही नहीं कि पेशेंट ने जाके बता दिया अपना ऐसे 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 और डॉक्टर साहब ने गोली लिख दी, नहीं। आखिरकार ये दर्द क्यों है? बहुत लोगों के सिर में दर्द होता है, सिरो पीड़ा, तो उस बहुत लोगों के सिर में दर्द हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, गैस टकरा रही है और सिर में दर्द हो रहा है, तो इलाज सिर का नहीं होगा, वहां पेट का इलाज हो, समझ गए ना। अब आप जाके मेडिकल स्टोर पे सिर की दर्द की दवाई लेने लगे, बात बनेगी नहीं साहब, नुकसान देने लग जाएगी कुछ दिन बाद वो टैबलेट आपको। ऐसे ही एक सफल ज्योतिषी जो होता है, आपको अच्छा ज्योतिष बनना है, अच्छा ज्ञान सीखना है, तो वस्तु स्थिति की गहराई में जाना पड़ेगा कि क्या कारण है ऐसा होने का। अब आपने मस्तिष्क रेखा पहचान ली व्यक्ति की हथेली में कहाँ होती है। यदि किसी भी जातक की मस्तिष्क रेखा पर ऐसे लहरेदार रेखाएं उसे काटती हों, तो ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। सेकेंडली, यदि उस मस्तिष्क रेखा के ऊपर स्पष्ट रूप से त्रिकोण, दो त्रिकोण बने हुए इकट्ठे, चाहे रेखा के मध्य भाग में, स्टार्टिंग में, मध्य भाग में, अंतिम छोर पर हो, कहीं भी भी, यदि त्रिकोणात्मक स्थिति बनी है, त्रिकोण तो आप पहचान ही लेंगे, ट्रायंगल की आकृति जो होती है, दो त्रिकोण यदि मस्तिष्क पे बने हों तो भी मस्तिष्क पीड़ा नहीं जाती। अब ये मत सोचिएगा कि वो त्रिकोण आपको दिख जाएंगे,
भाई बहुत हिसाब से ग्लास की सहायता से या बहुत गंभीरता से गौर के साथ आप उस हाथ को देखेंगे तो आपको उसमें जिसके ऐसी समस्या रहती है तो वो आपको नजर आ जाएंगे। इसी मस्तिष्क रेखा को कोई सर्पा आकृति की रेखा अपने आगोश में ले ले, मतलब जैसे हम किसी को भुजाओं में भर लेते हैं, ऐसी कोई रेखा उसे लपेट ले धागे की तरह। मस्तिष्क रेखा को कोई रेखा ऐसे अपने जाल में लपेट ले, वहां पर भी मस्तिष्क की बेचैनी, तनाव, शांति का प्राप्त ना होना, ये स्थिति रहेगी रहेगी। और एक सुन लीजिए, मस्तिष्क रेखा खंड खंड होती हुई आगे बढ़ती हुई, टूट गई आगे बढ़ी, टूटी फिर आगे बढ़ी, टूटी फिर आगे बढ़ी। ऐसी स्थिति में कई बार स्थिति गंभीर भी हो सकती है, कई बार वो व्यक्ति उन्मादी हो सकता है, कई बार वो व्यक्ति विक्षिप्त स्थिति में आ सकता है, और कई बार ऐसे व्यक्ति को पागल खाने का मुंह भी देखना पड़ सकता है। क्यों? ये मस्तिष्क रेखा का एंडिंग जो पॉइंट है वो कहाँ है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा किसके स्वामी है? मन के स्वामी। तो जब जब पूर्णिमा आती है समुद्र में बड़ी बड़ी ज्वार भाटाएं आती हैं, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जल से भी है, मन से तो है, जल से भी है। और हमारे शरीर में कितना जल है सब जानते हैं, जल की मात्रा बहुत है। तो जो चंद्रमा है जब पूर्णिमा आती है तो उस जल के ऊपर जो हलचल होती है वो व्यक्ति को प्रॉब्लम में ले आती है। इसलिए हमने पहले भी बताया कि कई बार ये रिसर्च हुई है कि पागल खानों में शक्ति बढ़ा दी जाती है पूर्णिमा के आसपास, ताकि ये इस प्रकार की हरकतें ना करें। तो ये तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, खैर लेकिन बात चल रही थी तो मैंने बात की। लेकिन व्यक्ति के सिरो मस्तिष्क की पीड़ा ना जाना, इस प्रकार की चीजें रहना, तनावग्रस्त रहना, ये भी आपके मस्तिष्क रेखा पर डिपेंड करता है। हृदय का रोग हो जाना, सिर का रोग हो जाना, नस नाड़ियों से संबंधित रोग हो जाना, उदर का रोग हो जाना, नाना भांति के रोगों की बातें भी इंसान की हथेली में छिपी है। अब कई बार आपके सामने डिटेल गलत है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, टाइम सही नहीं है, तो आप फंस जाएंगे ना। उस स्थिति में आपको हाथ देखने का तरीका भी आना चाहिए। इसके लिए हमारे जो पुराने पामिस्ट्री के पार्ट हैं उसमें हमने रेखाओं का भी ज्ञान कराया है, पर्वतों का भी ज्ञान कराया है, तो थोड़े थोड़े से हमारे वो पार्ट्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही चाहेंगे। आइए समय उचला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंड पाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपरियात विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाता सिद्धिदासाधकानां जयति बटुकनाता सिद्धिदासाधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्र मिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंदि वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्धि तारकं परं नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभु विचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं, भक्तवत्सलं स्तमस्त लोक लोक विग्रहं, भूतसंगनायकं विशाल कीर्तिदायकं, काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं, नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधको, शत्रु बाधा हो, ग्रहों की बाधा हो, या प्रेत बाधा हो, कोर्ट कचहरी की बाधा हो, या कालसर्प जैसी स्थिति की बाधा हो, भगवान बटुक भैरव की साधना सिद्ध फलदायी मानी गई है। बड़े हिसाब से आप भगवान बटुक भैरव की साधना करें तो जीवन में बहुत अच्छा व्यक्ति के उसको रिजल्ट मिलता है। अब देखो, बहुत लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, जमाना लौट रहा है फिर इन चीज़ों की तरफ, और भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म विज्ञान, भारतीय ज्योतिष, ये सारी चीज़ें बहुत गहरी हैं, इनमें अध्ययन की आवश्यकता है। फोड़पन से काम नहीं चलेगा, बहुत गहराई में इनमें जब आप जाओगे ना, आपको बहुत, जैसे डुबकी खोर होता है समुद्र में उतर जाता है, मोती उसके हाथ लगते हैं, ऐसे ही आप छात्र हैं ज्योतिष सीख रहे हैं, आपको इसमें रुचि रखनी पड़ेगी, आपको गंभीरता के साथ इस सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। जितनी गहराई में आप इसके उतरेंगे ना, तो ज्ञान रूपी मोती आपके भी हाथ लगेंगे, आप भी इसमें बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे। खैर, हमारा ये प्रयास है, ये हर सप्ताह की निशुल्क क्लास होती है, आप इससे जुड़िए और इससे कुछ ना कुछ सीखिए। अब हम अपने उन साधकों की बात करते हैं जो साधक संस्थान से जुड़े हैं, नाना भाती के कई बार रुद्राक्ष या जन्म पत्रिका के लिए हमसे जुड़ते हैं, तो जिन जिनका है करीब करीब हम सबको भेज चुके हैं, जो रह गए हैं अभी एक सप्ताह का इंतजार करें, उसके बाद उनका भी जो भी रुद्राक्ष या वैदिक जन्म पत्रिकाएं हैं वो हम भेजने का प्रयास करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिम हमस सूर्य को देखते हुए बताया था तीन माला करने के लिए, वो मैंने जब से शुरू किया। शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ, एक पावर सा मेरे अंदर आया और मैंने, मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ, और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट, शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
या हो।